Hello and welcome to the 14th episode of Mission and Vision. I am Aditya Yadav and I am watching The Social Indian. In this video, we will be dealing with the section of reasoning because we have discussed legal reasoning in our previous videos. If you have not watched it yet, देख लीजिए जाकर लीगल रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाली है वो. और अब हम जब बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है वो 22-23% कवर करता है अगर लॉजिकल और दोनों रीजनिंग को मिला ले. लेकिन जो लीगल रीजनिंग है वो करनी कंपैरेटिवली आसान होती है, और लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो भले ही एलिमेंट्री लेवल की आती है लेकिन उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है. तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टैकल करें और उसके अंदर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस को डील करें और इजीली उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. इसमें हम आपको बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. आपने पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. और इस वीडियो में इसलिए हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का. जैसे ही 200 लाइक्स पूरे हो जाएंगे नई वीडियो आ जाएगी. तो शुरू करते हैं. इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी शुरू में 6 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है. तो सबसे पहले है सीरीज, दूसरा आता है डायरेक्शन, तीसरा आता है सिलॉजिज्म, चौथा आता है ब्लड रिलेशन, पांचवा आता है क्रिटिकल रीजनिंग और छठा आखिरी में आता है एनालॉजी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर आपके पास 6 मेन टॉपिक हैं रीजनिंग में, अगर आपने ढंग से नहीं सुना है तो पीछे जाकर सुन लीजिए, उन्हें लिख लीजिए. इनके ऊपर आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करना है. अब इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी से इस वीडियो को खत्म करूं. सबसे पहले आती है सीरीज. अब सीरीज में एक पैटर्न को पहचानना होता है कि आपको दिए होंगी सीरीज, कोई भी सीरीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है. तो ऐसे में आपको जो है वो पैटर्न को पहचानना है कि क्या पैटर्न लग रहा है. सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप डिफरेंस चेक करें कि भाई कितने अल्फाबेट या कितने नंबर्स का डिफरेंस है, वो वाली सीरीज लगा के देखें. उससे नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज लगा के देखें, उससे नहीं होता है तो स्क्वायर क्यूब वाली लगा के देखें. उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला डेवलप करें. एक जनरल फॉर्मूला अगर आप सीरीज में डेवलप कर पाते हैं तो आपका आंसर सही जा रहा है, नहीं तो आंसर सही नहीं जा रहा है. अब इसमें एक और बड़ी बात देखने वाली यह है कि अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि मैं अपने आंसर को कैसे चेक करूं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले आगे से जाइए और चेक कीजिए कि हाँ भाई आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो आपने आंसर निकाला ही है तो वहां से तो आपका सही आना ही आना है. लेकिन हम इसको कह सकते हैं रिवर्स चेकिंग, कि आप एक बार पीछे से जाइए और पीछे से चेक करिए कि सीरीज में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब यहां पर लोग कंफ्यूज इस बात से भी हो जाते हैं कि कैसे निकालना है, क्यों निकालना है. तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहां भी आई सीरीज की बात वहां पर आपको बनाना है एक लॉजिकल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपके उसमें फिट होता हो और जो बचे हुए नंबर हैं जो दिए गए हैं उनको सेटिस्फाई करता हो. अगर ऐसा है तो आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं तो यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है. एक और मेथड हम यहां पर ट्राई कर सकते हैं, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड. यहां पे आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उनको आप फिट करके देखिए कि सबसे बेस्ट कौन सा फिट कर रहा है. ये आपका टाइम बचाने में काम आएगा और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व होंगे. तो दोनों ही ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो पहला ऑप्शन, और अगर आपके पास टाइम कम है तो दूसरा ऑप्शन. अब हम आते हैं डायरेक्शंस पर. डायरेक्शंस के क्वेश्चन जो हैं वो इतने आसान होते हैं कि उन्हें तो हम खीर हलवा भी नहीं कह सकते. वो तो बस आपको चबाना है और खाना है, ये वाली बात है. अब डायरेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका यह बताता हूं कि आप अपने फेस के सामने जो है वो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही समझ लीजिए. कि यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप अपने सामने समझ लीजिए कि नॉर्थ ही है. और प्रैक्टिकली सिचुएशन में ये इम्पोज करिए कि ए नहीं है, ए की जगह आप हैं, और आप जो वो आदमी हैं उसी हिसाब से चलते जाइए. पेन हाथ में उठाइए, नॉर्थ की तरफ फेस कराइए, और जैसे जैसे वो कहता है कि भाई 100 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद उसने नॉर्थ वेस्ट लिया, वेस्ट लिया, साउथ लिया, उसे घुमाते आ जाइए. और आखिरी में जब वो पूछता है कि किस साइड फेस आप कर रहे हैं, या फिर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका लेफ्ट हैंड किस साइड, आपका राइट हैंड किस साइड है. लेकिन मुझे नहीं लगता दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा दिमाग लगाएगी और इतना ज्यादा आपको फोकस करवाएगी. तो वो डायरेक्शन के लिए आपको सिर्फ यही पूछेगी कि आपका फेस किस तरफ आ रहा है. तो आप उसकी रखिए तैयारी, पहले से क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट, प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस यहां पर की है, रीजनिंग प्रैक्टिस से ही निकलेगी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि रट्टा यहां पर मारा जा सकता नहीं है और समझना ही पड़ेगा आपको. जब समझना ही है तो समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए.
अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमारे हो गए हैं सॉल्व। अब सिलोजिज्म वाले पार्ट को कैसे टैकल करें? सिलोजिज्म के लिए यूट्यूब पर वीडियोस हैं, दुनिया भर की वीडियोस हैं, भर भर कर वीडियोस हैं। आप किसी भी एक को देख लीजिए, आपके सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन आसान से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर सिलोजिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और इस वीडियो को मैं रखना चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। अब हम आते हैं ब्लड रिलेशंस पर। तो ब्लड रिलेशन जो है खूनी रिश्ते यहाँ पर कहना शब्द गलत होगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल या कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं उनके ऊपर ये सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशन आपने पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे अगर आप पिछले पेपर देखते आ रहे होंगे तो, और हर साल ये ना एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर अगर आपके रिश्ते हैं मजबूत, स्टार प्लस आप देखते हैं, तो आपके क्वेश्चन ये गलत नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्टार प्लस नहीं देखते हैं, मेरे जैसे हैं कि भाई स्टार प्लस तो कभी देखा ही नहीं, बात नहीं, रिश्ते नए, ऐसा कुछ पता ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या करिए कि आप उस बंदे की जगह जिसका रिलेशन निकालना है, मान लीजिए ए का बी से रिलेशन निकालना है, तो या तो आप ए बन जाइए या बी बन जाइए और कोशिश कीजिए कि अपने आपस में रिलेटिव से आप रिलेट कर पाएं। कि वो कहते हैं कि भाई माय मदर्स ब्रदर, तो अपने मामा की तरफ जाइए, फिर मामा के बच्चे देखिए, फिर उनके पोते देखिए, फिर इधर से देखिए। तो आप अपने को अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में घुसा कर देखिए। ये एक मास्टर टिप से भी मैं कनेक्ट करूंगा और आखिरी में जो मास्टर टिप दूंगा उस पर फोकस कीजिएगा। इसके बाद ब्लड रिलेशन में अपने आप को फोकस आप कर लेंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग और एनालॉजी की भी दुनिया भर की वीडियोस हैं, इनको भी मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ब्लड रिलेशन सीरीज और डायरेक्शन मैंने इसलिए किया है क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो कोई बताता नहीं है लेकिन सब करने को कहते हैं। तो इससे आपके लगभग 7 या 8 क्वेश्चन जो इस वीडियो से आप देखेंगे वो सही हो जाएंगे। और अगर आपके 30+ मार्क्स आ जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती। ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए, टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर खत्म करते हैं इस वीडियो को और आगे मिलते हैं आपको आगे ही अलग अलग वीडियोस में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और लाइक और शेयर तो आप अपनी श्रद्धा से ही करने वाले हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।